महंत ने कराया गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह। नगर के लोगों ने दान दहेज के रूप में किया सहयोग। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार पहुँचे सामूहिक विवाह समारोह में। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। पूर्व मंत्री ने अपने संदेश में उन लोगों से अपील की जो लोग संपन्न है कि ऐसे समाज से भी आयोजन करते रहना चाहिए, इससे समाज के गरीब लोगों में हिम्मत और हौसला बढ़ता है। बरेली के कस्बा नवाबगंज के रहने वाले महंत गोपाल गुप्ता ने आज समाज सेवा की मिसाल कायम करते हुए 5 गरीब कन्याओं की सामूहिक विवाह समारोह में शादी कराई, जिसमें हजारों लोगों को शादी भोज भी दिया गया। यह शादी समारोह महंत गोपाल गुप्ता ने अपनी दादी की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित किया। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार भी पहुंचे। उनके साथ नवाबगंज समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, ब्लॉक प्रमुख भटपुरा पुरुषोत्तम गंगवार, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रदीप सूरी सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक पहुँचे। क्या नाम आपका? हमारा प्रेम शंकर। कहाँ रहते हैं? आज आपका विवाह लग रहा होना है, तो ये जो विवाह हुआ किससे हो रहा है आपका? रेनू नाम से। कहाँ की रहने वाली हूँ? गोबर। और अच्छा, ये बताइए आप, जो आज शादी आपकी हो रही है, ये शादी का जो है पूरा खर्च कौन उठा रहा है? तुम लोग उठा रहे हो? नहीं, कमेटी वालों को नाम गया है ना। नाम बता दो सर। कौन लोग उठा रहे हैं इसका खर्च? हमें नाम तो उनका हमें ना बताया अभी। अच्छा, पिताजी को पता। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप ये विवाह जो है आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हाँ जी। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। राममूर्ति गुप्ता। आज जो सामूहिक विवाह हो रहा है, ये कौन साहब करा रहे हैं? ये साहब ठाकुर जी करा रहे हैं। आपके बेटे गोपाल गुप्ता जी का इसमें कोई योगदान है? सभी का सहयोग। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आगे भी नगर के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके कोई प्रोग्राम आयोजित करते रहे वो? जैसा आप ठाकुर जी की जैसी भी इच्छा होगी, हम तो एक माध्यम है। अगर उनकी जैसी भी हमारे लिए आदेश होगा माध्यम बनके तो आगे उसे चलाते रहेंगे। गरीब कन्याओं के जो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम आपने रखा है, कैसे और क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये परोपकार की भावना से और सेवा की भावना से उद्देश्य है। हमारे दादी की द्वितीय पुण्यतिथि है। पिछली साल भी हमने गरीब कन्याओं की शादी कराई थी और इस बार भी इससे बड़ा मन को शांति और संतोष मिलता है। कितनी शादी करा रहे हैं? इस बार तो 5 है। ये कोई कमेटी है या आप व्यक्तिगत तरीके? नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत है, इसकी कमेटी कोई नहीं है। मगर जो लोग भी कन्या के लक्ष्य में दान देना चाहते हैं तो वो यहाँ सामने जो है रखा हुआ है। मतलब दान के रूप में जो देना चाहता है उसको स्वीकार है? हाँ, दान कन्याओं के दान के रूप में स्वीकार है, बाकी व्यक्तिगत कुछ नहीं। कितने लोगों ने दान किया होगा इसमें? जो भी है सामान ला ला के रख रहा है, 30-40 लोग हैं। हमारे परिवार के भी हैं और मित्र लोग भी हैं, नगर के लोग हैं। ये आप विवाह करा रहे हैं गरीब लड़कियों का, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये तो बड़ा आत्मा की शांति, आत्मा के लिए बहुत शांति मिलती है और ये तो परम धाम का जो है एक साधन है जिससे बहुत संतोष मिलता है। आगे आने वाले समय में क्या आपके इससे बड़ी कोई योजना है? जैसी ईश्वर सद्बुद्धि देगा वैसा काम करते रहेंगे। योजना तो बहुत बहुत बड़ी है, जैसा परमात्मा ही कराता है उसी के द्वारा हो रहा है। नगर के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नगर के लोगों के लिए बस यही संदेश है, सब लोग जो है जनहित में, जनता हित में परोपकार का कार्य करते रहे, इससे ये लोग भी सुधरता है और परलोग भी सुधरता है। आज क्या प्रोग्राम है जो आप यहाँ आए हैं? आज श्री राममूर्ति लाल गुप्ता जी और उनके बेटे और उनके साथी लोगों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हम आए थे, बुलाया था। कैसा लगा? और हम तो कहेंगे कि सब लोग इस ग्रुप की तरह हो जाए और सबकी बेटियां बेटियों की शादी सामूहिक रूप से और धूमधाम से हो। कोई गरीब, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति परेशान ना हो और उनकी बेटियों की शादी और आशीर्वाद बहुत पूरी तरीके से उन्हें सब लोग जानना चाहेंगे। कितनी कन्याओं की शादी है? जानकारी में ये है कि 5 कन्याओं की शादी। बहुत तो बढ़िया कार्यक्रम है और पूरे मनोयोग से सारे साथी लोग जो इसमें सहयोगी हैं वो लोग सबकी सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से
इस शादी का प्रसाद वितरण हो रहा है। हमने भी अभी प्रसाद लिया है, बहुत स्वादिष्ट, और हम वर वधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे और समाज से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसी तरीके के आयोजन बढ़ते रहें और सब लोग हाथ बढ़ाएं। मंत्री, एक राजनीतिक सवाल, नवाबगंज टाइम बड़ा बुरे दौर से गुजर रहा है, नगर पालिका कोई विकास नहीं करा पा रही, बड़ा गंदगी रह रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, इस विषय में हमने बहुत कहा है, ये जिम्मेदारी है नवाबगंज के मतदाताओं की और यहाँ खास तौर से। अब जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। लोग कहते हैं विधानसभा के लोग भी बहुत परेशान हैं, तो विधानसभा वालों ने भी जैसा बीज बोया वैसा काटा। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ हमारे साथ में भी बहुत लोग हैं और आप लोग मार्गदर्शक हैं समाज के इस मीडिया के माध्यम से। हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे कि कहीं भी पांच लोग जहां खड़े मिल जाए उनसे पूछिएगा कि नवाबगंज में होना क्या है और पांच साल में हुआ क्या है। यानी इतना विकसित नवाबगंज, सब बड़े चैन से रहते थे, आज जो हो रहा है सबको जानकारी है, चारों तरफ लूट खसोट के अलावा और कुछ नहीं। क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आज गरीब कन्याओं की शादी है? मैं ये बात अभी दो तीन बार दोहरा चुका हूँ, मैं अपने नवाबगंज के सभी सम्मानित लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आशीर्वाद दें बेटियों के लिए। और इससे खास बात तो ये है कि इससे प्रेम की शुरुआत होती है और प्रेम ही जिंदगी में सब कुछ है, कि सब लोग इकट्ठे होके गरीब कन्याओं की शादी। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।